हे गाइस, दिस इज एबीसा। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू सॉल्व एसएफबीएम डायग्राम, मेक अ एसएफबीएम डायग्राम ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रॉब्लम दे रखा है जिसका हमें एसएफबीएम डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसको जो हमारे पास प्रॉब्लम दे रखा है उसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्रॉब्लम में हमारे पास दो तरीके के लोड दे रखे हैं, पॉइंट लोड और यूडीएल लोड। तभी यूडीएल को भी हम सबसे पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका सबसे पहले प्रेजेंटेशन के साथ हम करेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्टली हमें एक प्रोजेक्शन लाइंस बनानी है पूरे क्वेश्चन की। दिस इज हाउ हमें प्रोजेक्शन लाइन बनानी है, और ये एकदम लाइट होनी चाहिए, जस्ट हमें समझ आए उस तरीके से। मैं यहाँ पेन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्सटर्नल में आपको पेंसिल की हेल्प से बनाना है। ओके, सबसे पहले इसको हम वापस सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा सिंप्लीफिकेशन होगा। और ये हमारा यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट किया, तो 18 किलोमीटर इज इक्वल टू 6 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 3। 18 किलोमीटर आएगा, किलो न्यूटन आएगा, और वो सेंटर में लगेगा उस पोर्शन के। और इसको हम सबसे पहले पॉइंट लोड का नाम दे देंगे, पॉइंट सॉरी लोड डायग्राम। नाउ अभी हमें आरए और आरबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं सबसे पहले मूवमेंट के हिसाब से करता हूँ। ओके, मोमेंट एट ए लेंगे हम, सो आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस इज 5 इज इक्वल टू, सो अपवर्ड एरो हमारा पॉइंट लोड के लिए नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड एरो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। ये नोटेशन ध्यान रखना है। सो -10 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 2.5, 1 प्लस 1.5, 20 इंटू 4। तो आर बी हमारा समथिंग 23 किलो न्यूटन आएगा। नाउ फॉर आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 18 प्लस 20 -10। यहाँ पे हमें आर ए की वैल्यू हमें पता, आर बी की वैल्यू पता है, तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे। और तो उस पे से हमें आर ए की वैल्यू ऑलमोस्ट 5 किलो न्यूटन मिलेगी। हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, ओके, यूनिट ध्यान रखना कौन सा हमारा यूनिट होगा। अभी ये डायग्राम हमारा सबसे प्रॉपरली बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये गलत हुआ तो इसके बाद एसएफ डायग्राम भी गलत होगा और बीएम डायग्राम भी गलत होगा। ये हमारा लोड डायग्राम के लिए कैलकुलेशन था। ओके, अब हम एसएफ डायग्राम बनाएंगे। अब एसएफ डायग्राम बनाने के लिए मैं सिंपलिसिटी के लिए मैं दूसरे कलर का पेंस यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन एक्सटर्नल में आपको पेंसिल ही यूज़ करनी है। तो हम सबसे पहले बिना कैलकुलेशन के बनाते हैं। तो यहाँ 5 न्यूटन है, ये अपवर डायरेक्शन में जा रहा है 5 न्यूटन। यहाँ पे कोई पॉइंट लोड ही है, तो हम यहाँ पे जाएंगे वापस स्ट्रेट एंड 10 किलो न्यूटन अपवर डायरेक्शन। सो 10 एंड नाउ अब यहाँ पे डाउनवर्ड जाना है। तो सबसे पहले सिक्वेंशियल वाइज ही यहाँ पे ये हमारा 5, ये 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है प्लस 10 15। अभी हमें जाना 18 है, अभी यूडीएल है, इसके से ये स्लैंट लाइन रहेगा, स्लांट स्लोप बनेगा। सो इट विल बी 3 हीयर प्लस -20, सो इट विल बी 23। नाउ इट इज अगेन पॉइंट लोड, सो स्ट्रेट एंड हियर इट इज 23। सो ए बी सी डी, दिस ये हमारा हुआ एस एफ डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम। इसको हम थोड़ा प्रेजेंटेशन कर देंगे, प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट।
अभी इसका कैलकुलेशन, ओके, कि सही आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ हम लिख देंगे एस एफ कैलकुलेशन, एस एफ एट ए एट सी, एस एफ एट डी, एस एफ एट बी, ओके। तो यहाँ पे भी सेम साइन कन्वेक्शन कैसा होगा, ऊपर पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, सो प्लस 5 किलो न्यूटन। अगेन ये नीचे आ जाएगा, 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन। 15 यहाँ पे अब हमारा माइनस लग रहा है, सो 15 माइनस 18 इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। अगेन यहाँ पे हमारा 20 किलो न्यूटन भी लग रहा है यहाँ पे पॉइंट पे, सो इट्स -3 -23, सो -23 प्लस 23, क्योंकि यहाँ पे हमारा 23 भी लग रहा है, इट विल बी 0 किलो न्यूटन। इट मीन्स हमारा एस एफ डायग्राम इज करेक्ट। नाउ फॉर बी एम डायग्राम, ओके। तो बी एम डायग्राम बनाने के लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना रहेगा, तो बी बेंडिंग मोमेंट एट ए, बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट एट बी। सो बेंडिंग मोमेंट जो भी होगा, यानी हमारा जो बीम होगा वो हमारा कभी भी एंड पॉइंट से बेंड नहीं होगा, सो वहाँ पे कोई बेंडिंग मोमेंट हमारा मिलने वाला नहीं, तो वो 0 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, ओके। यहाँ पे भी एंड पॉइंट्स पे, यहाँ पे हमारा 0 0। नाउ अब सी पे करना है, सी पे हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसा है कि हमारा अगर हम मोमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, टेकिंग मोमेंट एट ए लेंगे, तो क्या होगा, ये 10 किलो न्यूटन हमारा इस डायरेक्शन में घूमेगा, इट विल बी ना एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे लिए नेगेटिव रहेगा, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव रहेगा। सो हम यहाँ पे नहीं लेंगे, हम बेंडिंग मोमेंट है सी, यानी यहाँ पे 5 न्यूटन की 5 × 1 इट विल बी 5 किलो न्यूटन मीटर। नाउ हमें डी पे फाइंड आउट करना है, तो डी पे हम क्या करेंगे, 23 × 1, जहाँ से हमें सिंपल लगता हो, कैलकुलेशन सिंपल हो सकता है उस तरीके से करेंगे। हम यहाँ से भी फॉलो अप कर सकते हैं, तो फॉलो अप वहाँ से कैसा होगा, 5 × 4 माइनस प्लस 10 × 3 माइनस 18 × 1.5, तो वो भी हमारा 23 ही क्या आउटपुट देने वाला है, ओके। तो इसे हम सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 5 है, ये हमारा 23 है, ओके। तो पॉइंट लोड के वहाँ पे हमारा हमेशा स्ट्रेट आएगा, और जहाँ पे यूडीएल होगा वहाँ पे हमारा कर्व होगा। नाउ सबसे ज़्यादा हमारा कहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मिलेगा, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके। सो अभी हमें ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ये पॉइंट, इसको हम ई से डिनोट कर देते हैं। तो एस एफ एट ई इज इक्वल टू, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये एक्स है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ तक, और ये 3 - x, सो एक्स बाय 15 इज इक्वल टू 3 - x/3, यानी x/15 3 - x/3। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू, यानी यहाँ से कितना दूर पे है इसका डिस्टेंस, 2.5 मीटर आएगा, ओके। उसी को हम बी एम डायग्राम में भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसको हम बी एम में भी कैलकुलेट करेंगे। तो बी एम एट ई विल बी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से इस पॉइंट तक जाते हैं, ओके, सो 5 × 3.5
प्लस 10 इंटू 2.5 माइनस 6 इंटू 2.5 इंटू 2.5 बाय 2, वो हमें कुछ 23.75 किलो न्यूटन मीटर आंसर देगा। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा। तो ये हमारा बीएम डायग्राम हुआ। दिस इज हाउ हम बीएम डायग्राम, एसएफबीएम कैलकुलेशन करेंगे।